केवे राज अटबाल हट तेरिया हट दुर्योधन हट पर आ गया। और जे लड़ाई छिड़गी तो नाश होके रहेगा, अपने पुत्र को अपने बेटे को। पूर्वम रहे विधायक हमारे बहुत ही सम्मानित व आदरणीय शशि परमार जी और भावी विधायक और छत्तीस बिरादरी के दुख सुख के साथी, दुख सुख के सेवक, शालीनता के धनी शशि परमार साहब, दो चार बातें आपके सन्मुख रखेंगे। भावी विधायक आपसे प्रार्थना है, कृपा आप आइए इधर, गुजारिश है। आदरणीय गांव सावण से हमारे बहुत ही जुझारू हिम्मती संघर्षशील साथी गांव के सरपंच मदन सिंह भाई जी, रामपाल जी, सभी इलाके के मेरे सम्मानित बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज बड़ी खुशी की बात है, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर आज हमारे बीच में। अभी जिस तरीके से आपने लोकसभा के चुनाव में ट्रेलर दिखाया, भारतीय जनता पार्टी को एक एक वोट देने का काम किया, और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत किए, आज वही बात अब हरियाणा में विधानसभा के चुनाव सिर पे हैं, वही समय फिर आ गया है। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने मनोहर लाल खट्टर जी ने ईमानदारी से जो काम किया है लगातार 5 साल, अब की बार जिस तरीके से नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी दी है, बदलियों में ट्रांसपेरेंसी दी है, एक बहुत बड़ी बात है। हरियाणा के इतिहास में पर्ची का जो सिस्टम था नौकरियों का, पर्ची का खर्ची का, वो ख़त्म किया है। तो अरे एक ये हमारा शुभ संकेत है भाई कि यो बाली भाई, शुरू से मैं देखता हूँ इसका होना, और मेरा यो सांग जचाण में इसका बहुत बड़ा इसका आशीर्वाद मैं मानता हूँ। मैं भिवाणी में पंचायत समिति चेयरमैन बनया जब भी बाली ने शुरुआत करी भाई, विधायक बनया जब भी शुरुआत थी, और भाई मन ने तो बेरा भी नहीं था बाली आ रहा है, और आज फिर विधिवत इसने सरपंच साहब ने ये विधिवत बाली भाई से फिर शुरुआत करा दी है। मैं तो एक्सीडेंट के बाद मुझे दोबारा जी मिला है, हमारे साथी पंडित ओम प्रकाश बैलवाड़ा जी भी रहते थे भाई, एक्सीडेंट में दोबारा जीवन मिला है। हजारों आदमी आए, ले भाई विधायक जी उठेगा भाई, बैग यार वो डाली पकड़ के बच गया था, तो इसलिए बच गया, ही तेरी कलम चालनी बाकी है। और अब मैं भी महसूस कर रहा हूँ जिस तरह के हालात हैं, और जिस तरह के हालात हैं ये कहीं कोई किंतु परंतु मुझे नहीं लगता पार्टी जो चुनाव है वो जहाँ से भी लड़ाएगी, लेकिन मैं 100% दावे से कह सकता हूँ कि मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों की भावना से मुझे फिर से भाई ये सेवा करने का मौका मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं तो एक ही कह सकता हूँ कि भाई इस योजना में अगली योजना जो आएगी, जो महीने डेढ़ महीने बाद शुरू होने वाली है, 5-10 साल में जो ये जीवन बचा है आप लोगों की सेवा के लिए, इलाके की सेवा के लिए मैं खर्च करूँगा। और जो ये मेरे साथी हैं, आज मुझे खुशी है भाई मदन ने ये प्रोग्राम में बहुत पुराने साथियों के दर्शन होने का मौका मिला, बहुत पुराने पुराने साथी इस प्रोग्राम में मिले हैं। मैं आपको एक ही बात के लिए आश्वस्त करूँगा कि भाई कोई काम कोई बात रह गया है, हमने प्रयास किया, लेकिन ईसाई मोलड़ सांग था वो आप जानो हो, लेकिन अब मैं दोबारा से आपके आशीर्वाद से विधायक बनया तो भाई मैं काम का दुश्मन हूँ, काम कोई बाकी छोड़ दूंगा नहीं, इलाके के ज़्यादा से ज़्यादा को आश्वस्त करता हूँ। आपका विशेष मेरे हाथ में कलम आई तो भाई ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि भाई कोई काम
मेरी कलम से बचेगा नहीं। आभारी हूँ और वो समय आएगा तो भाई आप महसूस करेंगे वो उसका, हम इस कलम को चला के उसको ऋण का उतारने का मैं काम करूँगा। फिर से आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये तो एक दिल की बात हो जाती है मारे के राजपुता में विवाणी में परमार साहब को तो पता भी है। मैं छोटा था उनका एक लड़का होया छठीकर का, में नौ दस महीने पास दूसरे हो गया, नौ महीने पास है नौ ए अड़ोसी पड़ोसी न्यू करने लगे सारी अनबाली ने बुला लो हो तो छो मान के वो करड़ा बोले एक बार बदल लो बोला थारी इच्छा हो तो दूसरे ने बुला लो बल्ली तो बदला को नहीं जा। तो ये तो एक एक कुआवत है सदा सुहागण रहे लुगाई नु सोचे थी मणियारी, मणियारी नु सोचे थी चूड़ी व्यक्ति रहे और इसके दिल की 500 साल की उम्र हो बोलदा चलदा ना हो चाहे ऊं धरिया रहे अगर अलग ही तो चूड़ी सबत रहेंगी वो दिखेगा इतना। तो एक कलाकार की एक कलाकार नेता भी नेता उनकी यही इच्छा रहती है हमेशा कि हमारी जो जनता जनार्दन हमारे बुजुर्ग हैं नौजवान साथी हैं मित्रगण हैं पारिवारिक सदस्य हैं कोई भी विधानसभा क्षेत्र हो वहाँ के जो जन उन जन सेवकों में हम नेता को जाना जाता है जनता का सेवक। और भाई ये तो अच्छे कर्म कराखे थे परमार साहब जान बच गई ना दो एक्सीडेंट। मैं प्रत्येक दर्शी हूँ तीन बार तो मैं जाके आया हूँ मेरा ही नहीं मेरा परमार साहब ने बल लिया था कि नहीं आया था अपना संतुष्टि करके नहीं हालात देख के उल्टे आ जावा। लेकिन दुआ साथ में रही लोगों की दवा और दुआ दोनों ने काम किया तो आपके बीच में विराजमान है इसके लिए भी ताली बजाओ। एक वो एक्सीडेंट आपने देख तो एक तो भगवान के दरबार में चले आएगा राम लक्ष्मण की जोड़ी कहलाती थी ओम प्रकाश बहलिया शशि परमार। तो चलो भाई एक भजन है परमार साहब मैं वो मैं ये चर्चा होगी तो मैं सुनाता हूं लेकिन इस बात का मलाल भी नहीं करना चाहिए। विधाता जो करता है हम उसके उसके किए हुए पे उसको नकार नहीं।